हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डायरोटिक्स, एंटी डायरोटिक्स, हाइपोग्लाइसमिक एजेंट्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम शॉर्ट में एनसेड बोलते हैं। एनसेड, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने एनसेड का यूज ना किया हो। तो अल्टीमेटली हम एनसेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, डायरोटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उससे कुछ एंटी डायरोटिक्स ड्रग्स के क्वेश्चन जो रहेंगे उनको कवर करेंगे। हाइपोग्लाइसमिक एजेंट, सबसे ज्यादा पेशेंट मिलते हैं डायबिटीज के, तो ये यूज बहुत होता है इन ड्रग्स का। इनका हम स्ट्रक्चर, एसएआर के पॉइंट्स कवर करेंगे और हमारा एनसेड का टॉपिक हम कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, जैसे डायरोटिक्स हो गया हमारा, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो डायरोटिक्स है हमारा, एंटी डायरोटिक्स है या हमारा जो एनसेड होते हैं, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन टॉपिक से बहुत आते हैं। तो भाई इनको अच्छे से करना है और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अपन इसको कवर करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सा लड्डू क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे लड्डू क्योंकि भाई ये है हमारा एस्पिरिन का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है ना, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कौन है, तो हम बोलेंगे सर ये एस्पिरिन होता है। मैंने ये आंसर बताया तो बाजू से एक आएगा कि आप बोलते हो सर कि ये टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, तो ये एसिटाइल टू एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है, टू एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या है। तो हम बोलेंगे भैया मेरे ये भी मेरा एस्पिरिन है, तो वापस में दोनों फिर क्या करेंगे, बहस करेंगे कि एक ड्रग के दो केमिकल नेम कैसे हो सकते हैं। भाई हो सकते हैं, यहां पढ़ो जरा बेंजोइक एसिड लिखा है, यहां पढ़ो मेरे भाई सैलिसिलिक एसिड लिखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं दोनों नेम कैसे हो सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा एक बेसिक सी चीज है। हमारा एनसेड का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एस्पिरिन से। एस्पिरिन एक बेसिक ड्रग है हमारी, एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हम उसको बोलते हैं। उसका केमिकल नेम क्या होता है, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। वो सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है, और साथ में ये भाई एस्पिरिन जो है ना इरिवर्सिबल कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है। एस्पिरिन में एक और चीज होती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होता है इसमें, लो डोज में एंटी प्लेटलेट के जैसा काम करता है। एस्पिरिन का एडवर्स इफेक्ट भी होता है, रेस सिंड्रोम। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं भाई, इनको ध्यान रखना है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर रहे, हमारी केमिस्ट्री करा रही भाई हमसे, तो हम कर रहे हैं उसके लिए भाई, हमें तो जो दिखाया जाएगा हम वो बोलेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, अपन को तो क्या करना है, बढ़िया एक सैलिसिलिक एसिड बनाओ बेहतरीन। ये अपन ने एक बेहतरीन सैलिसिलिक एसिड को बनाया, यहाँ पर ये COH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, ये इसकी नंबरिंग यहां से होगी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है हमारे कौन, सैलिसिलिक एसिड भाई है। दूसरा बाजू में अपन ने बेंजोइक एसिड को बना लिया, किसको बना लिया, बेंजोइक एसिड को भी बनाया, हमने कहा हम उसको भी बनाएंगे, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी नंबरिंग करोगे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसमें हम इसको मॉडिफाइड करते हैं और बनाते हैं एस्पिरिन। जब इसको मॉडिफाइड आप करोगे बेटा, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना हमको, ये सीओएच रहेगा, ये जो ऑक्सीजन रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन को हटा के आपको एसिटाइल, मतलब सैलिसिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या जोड़ा, केवल एसिटाइल ग्रुप को जोड़ा, यहां पर केवल अपन ने एसिटाइलेशन किया है। कहां पर एसिटाइलेशन किया है, सेकेंड पोजीशन पर, ये सिंथेसिस का स्टेप भी हो गया। तो जो सैलिसिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे ना, तो जुड़ा तो क्या है मेरे भाई, केवल एसिटाइल जुड़ा है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्या बोलोगे इसको, एसिटॉक्सी बोल दोगे क्या, नहीं बोल पाओगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमको बोलना पड़ेगा। तो क्या एसिटाइल बेंजोइक एसिड बोल दोगे, नहीं बोल पाओगे एसिटाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि एसिड सैलिसिलिक एसिड में ही एसिटाइल जुड़ता है। अगर आपने बेंजोइक एसिड बोल दिया ना भाई, तो फिर ऐसा बोल दिया कि ये ऑक्सीजन नहीं है, सीधा एसिटाइल बेंजोइक एसिड थोड़ी ना होता। हाँ, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये COH हो गया यहां पर, अब यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ अपन ने एसिटाइल ग्रुप को लगाया, इसमें तो नहीं था ना ऑक्सीजन, ये तो सैलिसिलिक एसिड नहीं है हमारा। तो जब बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में इसको देखोगे, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, एसिटॉक्सी बोलोगे, नहीं, जैसे ये मिथाइल बोलते हो, और जब CH3 हो रहा था तो मेथॉक्सी बोलते हो, तो ये एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड। तो कभी भी याद रखना, एसिटॉक्सी बोल दिया मतलब ऑक्सीजन इंक्लूड कर लिया अपने साथ, तो फिर सैलिसिलिक एसिड मत लिखना साथ में, फिर लिखना पड़ेगा बेंजोइक एसिड। तो जैसे एस्पिरिन का नाम आएगा, ये सब नाम सही है, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड सही है, लेकिन एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड गलत है, क्योंकि अगर आपने एसिटॉक्सी बोला मतलब ये ऑक्सीजन इसके साथ बोल दिया, फिर तो
तो एक ऑक्सीजन तो उसमें पहले से रहता है, डबल ही हो जाएगा। अगर आपने बोला है एसिटाइल बेंजोइक एसिड तो वो भी गलत है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल दो मेरे भाई लोगों, या फिर बोल दो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये एस्पिरिन को अच्छे से याद रखना है, समझ रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, वो क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, देखो केमिकल स्ट्रक्चर बिलो द रिप्रेजेंट, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये जो है आपका यहां पर स्ट्रक्चर को अगर अपन देखते हैं, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है यहां पर H है इसमें, एक्चुअल में यहां पर जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर हमको बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये जो कीटो एल्कोहल होता है ना इस पर होता है, अगर यहां पर अपन एसिटाइलेशन कर देंगे तो एस्पिरिन बन जाएगा, ठीक है। अगर चलो ये अपन ने चलो CH3 वाला ही सॉल्व करते हैं, हम तो CH3 का ही करेंगे सॉल्व, ये तो ये CH3 है। अब ये अगर आप यहां पर एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कभी भी केमिस्ट्री में एक चीज होती है डरना नहीं है, ये बनाया हमने, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया था और ये बना दिया था, ये हमारा क्या था अभी, ये था हमारा सैलिसिलिक एसिड था। अब ये सैलिसिलिक एसिड और इसमें केवल एच का अंदर, यहां एच है और यहां मिथाइल है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलिक, मिथाइल सैलिसाइलेट बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मिथाइल सैलिसाइलेट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, ये मिथाइल सैलिसाइलेट है, क्या है हमारा, मिथाइल सैलिसाइलेट है, समझ रहे, क्या है ये, मिथाइल सैलिसाइलेट है। अगर आप ये बनाओगे तो ये सैलिसिलिक एसिड है, यहां पे जोड़ दोगे अगर ना तो ये एसिटाइल ग्रुप को, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, समझ गए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइबोप्रोफेन क्या होता है हमारा। आइबोप्रोफेन की अगर हम बात करें तो पहले तो ये प्रोफेन है, इतने क्लोज ऑप्शन आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भैया सब में है यार, अब क्या करें, किसको बुलाएं मदद के लिए, देखते हैं अगले ग्रुप को बुलाते हैं। प्रोपियोनिक एसिड तो सभी में, इससे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा है। अब आइबू को देखो, आइबू जो है, आइबू आइबू कह रहा है कि मैं हूं आइसोब्यूटाइल, आइबू बता रहा है कि मैं हूं आइसोब्यूटाइल, तो पकड़ो आइसोब्यूटाइल को। प्रोपियोनिक एसिड को तुमने देखा वो तो सब में था, अब क्या करा अपन ने, आइबू को उठाया, आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल ये लिखा है आइसोब्यूटाइल, काम खत्म हो गया यहीं पर, इसने सरेंडर कर दिया आइबोप्रोफेन ने, भाई इस आदमी को हमारा नाम आता है, समझ रहे। तो ये देखो केमिस्ट्री में मैं एक बात बोलूं ना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो स्ट्रक्चर याद कर ले। देखो स्ट्रक्चर जो है ना केमिस्ट्री के, जो नाम उसी में छुपा रहता है, नाम उसी में छुपा रहता है आपका, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे नाम आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस कैंसिल करोगे तो आपको नाम मिलेंगे, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा। और अगर आप इसको डर गए देख के कि नहीं भाई अब नहीं बन रहा है मेरे पे, मैं तो मेडिकेम का हो गया, IUPAC नेम आ गया, बताओ कौन याद करेगा। अरे कुछ नहीं कह रहा यार, वो कह रहा प्रोपियोनिक एसिड ये है, ये आईबू लगा है, आइसोब्यूटाइल को बता रहा है, तो ये हो गया ना बी आंसर इसमें हमारा, ठीक है, ये ध्यान रख रहा है आपको। ये देखो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें साफ दिख रहा है हमको, ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया हमारा 1, 2, 3 प्रोपियोनिक एसिड, ये फिनाइल है, ये हमारा देखो लगा है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, काम खत्म हो गया यहीं पर हमारा, ठीक है। आइबोप्रोफेन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसको ब्रूफेन के नाम से अच्छी पिंक कलर की जेम्स की जैसी टॉफी आती है ना वैसी इसकी टैबलेट आती है बढ़िया पिंक कलर की, अबॉट कंपनी की, ब्रूफेन के नाम से। तो भैया डर लगता है बच्चे ना खा ले इसके लिए, क्योंकि जेम्स के जैसी होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, इस स्ट्रक्चर को भी आप भूल जाओ, ठीक है ना, आप इसको भूलो कि हमको करना है स्ट्रक्चर को, ऑप्शंस को कैंसिल करना है आपको, समझ रहे, ऑप्शंस को कैंसिल करना है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो मैं अगर आप मैं बात करूं, नीमोस्लाइड ये हो नहीं सकता स्ट्रोफिक ऑप्शन, क्योंकि ये क्लोरो वाला है, तो देखो डाइक्लोफेनिक एसिक्लोफेनिक ये है, अब ये दोनों क्लोरो वाले होते हैं, दोनों में डाइक्लोरो होता है, तो यहां पर है। अब ये जो स्ट्रक्चर लग गया यहां पर ये एसिटाइल वाला, तो एसिक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर है, क्या है हमारा एसिक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर है। और मान लो अगर नहीं होता आपका तो ये आपका सीधा सीधा एसिक्लोफेनिक का स्ट्रक्चर है। देखो ये एसिक्लोफेनिक में यहां पर ये लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप एसिक्लोफेनिक में, ये डाइक्लोफेनिक होता है, देखो कोई भी ग्रुप नहीं लगा इसमें डाइक्लोफेनिक में, देखो डाइक्लोरो है सिंपल हमारा, ठीक है। न्यूमोस्लाइड, न्यूमोस्लाइड को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, न्यूमोस्लाइड हमारा प्रोपेंसिलिक ऑक्सीजन इनहिबिटर में आता है, इसमें देखो हमारा NO2 ग्रुप भी होता है और यहाँ पर ये सल्फोमाइल ग्रुप भी होता है, मिथाइल सल्फोमाइल ग्रुप होता है, क्या होता है बेटा, देखो ये लिखा है मेथेन सल्फोनामाइड,
अब आप आईयूपीएसी नेम याद करो ना करो, लेकिन मेथेन सल्फोनामाइड को याद कर लेना। रॉफिकॉक्सिब में फ्यूरॉन रिंग होती है, ठीक है, ये हमारा सेलेक्टोकॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है, सेलेक्टोकॉक्स, ठीक है ना, सेलेक्टो आपका इनहिबिटर होता है, सेलेक्टोकॉक्स टू एंजाइम इनहिबिटर, ये प्रेफरेंशियली कॉक्स टू होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें न्यूमोसिलाइड में सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए सुलाइड वर्ड उसमें लगा रहता है, ठीक है। गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा नीफोपाम का, ठीक है, नीफोपाम का ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है किसका स्ट्रक्चर है, नीफोपाम का स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखेंगे आप, नीफोपाम, ठीक है, ये हमारा नीफोपाम, ठीक है। ये जो होती है नीफोपाम हमारी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होती है, ठीक है, नॉन ओपियोइड पेन किलर होता है, मतलब ये सीएनएस पे काम करता है, एनसेड के जैसा काम नहीं करता। निबोमेटोन, निबोमेटोन की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, निबोमेटोन पूरे एनसेड हमारे एसिडिक होते हैं, लेकिन निबोमेटोन कहता है तुम भाई एसिडिक हो लेकिन मैं तो बेसिक हूं, मतलब पूरे एसिडिक के बीच में बेचारा बेसिक रहता है, तो अच्छे से याद रखना है निबोमेटोन हमारा बेसिक ड्रग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे, कि ये ईएसआईसी फार्मासिस्ट की तैयारी के लिए आज ही हमारा जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है। इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे बेटा आपको बाजू में स्क्रीन में ब्लू प्लस मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करें आप, ठीक है, और ईएसआईसी कोड को डालें तो ये हमारी क्लासेस मिल जाएंगी पूरी। यूट्यूब पे क्या होता है कभी बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, आगे पीछे होती चली जाती हैं, आप अगर बैच को जुड़ेंगे तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में क्लासेस मिल जाएंगी। इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लें, क्योंकि मौका एक बार आता है, बार बार नहीं आता। ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है अब आई है, हो सकता है आने वाले 4-5 साल बाद आएगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी बीफॉर्म पास आउट किया है और आपका रजिस्ट्रेशन है, या आप बीफॉर्म स्टूडेंट्स हैं, या आपने 1-2 साल किया हुआ है बीफॉर्म को, तो फिर ऐसे केसेस में तो बेटा आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल जल्दी तैयारी करोगे, पढ़ा हुआ है रिसेंटली, आप बढ़िया उसको क्या कर लोगे, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन होता है ये हम नहीं बताएंगे, ये हमको बर्ड बताएंगे। ये देखो फिनेमिक एसिड नहीं होगा, सुलेंडेक नहीं होगा, इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन होता है, इंडोमेथासिन का एक बार एडवर्स इफेक्ट आ चुका है, ये फ्रंटल हेडेक कॉज करता है इंडोमेथासिन, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कौन होता है, ये जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं उसमें डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक आते हैं हमारे, और इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है हमारा इंडोमेथासिन आता है, इसको ध्यान रखना है, प्रॉपर अच्छे से याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये देखो इंडोमेथासिन का स्ट्रक्चर होता है इसमें, इंडोल एसिटिक एसिड, देखो ये भाई हमारा एसिटिक एसिड है यहां पर दिख रहा है, और ये इंडोल रिंग लगी है, तो इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कहलाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूपीएसी नेम ऑफ द पैरासिटामोल, यार पैरासिटामोल जैसे का नाम अगर अपन से पूछ ले कोई तो बन जाना चाहिए यार कम से कम हमको, देखते हैं पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं पैरासिटामोल का है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर किसका बोल सकते हो आप लोग, पैरासिटामोल का हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपका ये यहां से अगर आप नंबरिंग करते हो, ठीक है, तो यहां से होगी 1, 2, 3, 4, तो देखो 4-hydroxyphenyl, तो ये हो गया भाई हमारा 4-hydroxyphenyl, बात खत्म हो जाती है, और N पे ये एथेनामाइड लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एथेनामाइड, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ये, और पैरासिटामोल का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटो अमाइनोफेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटो अमाइनोफेन भी बोलते हैं, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, एसिटो अमाइनोफेन भी इसको हम बोल देते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना ना, ठीक है। पैरासिटामोल हमारा क्या होता है भाई, ये जो होता है ना वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है इसके पास, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक होता है, कॉक्स 3 एंजाइम पे जाके काम करता है, ब्रेन में हमारे फीवर को रिड्यूस कर देता है, सबसे मेन यूज इसका यही है, पेन किलर भी होता है बट ये मेनली फीवर का ही बेस्ट ड्रग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर जिसका भी है ना नाइट्रोजन अल्टरनेट दौड़ रहा है उसमें, कौन दौड़ रहा है, जब नाइट्रोजन अल्टरनेट चलता है तो वो ग्वानाइडोमोइटी कहलाती है, तो ग्वानाडीन वाले डेरिवेटिव पूछे अपन से तो वो बिगवानाइड्स होते हैं, क्या होते हैं बिगवानाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ड्रग आती है हमारी, मेटफॉर्मिन ड्रग आती है और कौन आता है फेनफॉर्मिन आता है, ये जो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन का मैकेनिज्म होता है ये लोग क्या करते हैं हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देते हैं ये स्पेशली, और सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं हमारे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, किसके लिए, हमारे पेरिफेरल ग्लूकोज को कम करने के लिए। पिगमानाइट्स में मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन आने से दोनों बेहतरीन काम करते थे, लेकिन फेनफॉर्मिन के साथ समस्या हो गई, उससे थोड़ी सी गलती हो गई,
फेनफॉर्मिन का एक एडवर्स इफेक्ट होता है लैक्टिक एसिडोसिस, और बेचारी ड्रग के साथ ये समस्या है कि ड्रग ने अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जो रेगुलेटरी एजेंसी होती है उस ड्रग को उठा के बाहर फेंक देती है मार्केट से। तो इस फेनफॉर्मिन को बंद कर दिया गया ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट लैक्टिक एसिडोसिस। आज के समय में मेटफॉर्मिन को सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन में एक समस्या होती है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो लोग मेटफॉर्मिन को रेगुलर लेता है उनको विटामिन B12 की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर कोई मेटफॉर्मिन को रेगुलर ले रहा है तो उसमें विटामिन B12 की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। एक क्वेश्चन उसका पूछते हैं कि आइसोलेट रेगुलर लेगा तो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B6 की कमी हो जाती है। आपको कोई पूछेगा मेथोट्रेक्सेट ज्यादा लोगे तो भैया काय की कमी होगी, तो हम बोलेंगे फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, समझ गए। तो एक बार रिवाइज कर लिया करो इन चीजों को तो अच्छा रहता है। ये थायाजोलिडिन डायोन्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, रोसिग्लुटाजोन पायोग्लुटाजोन है, सल्फोनाइल यूरिया, पहले आपको याद रखना है ये हमारे सल्फोनाइल यूरिया में आपको क्लोरोप्रोपामाइड आता है, टॉलब्यूटामाइड आते हैं, पोटेशियम चैनल के क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होते हैं। नेग्रिटाइड मैग्नेटाइड जो होते हैं हमारे, ये जो है ये बेसिकली सल्फोनाइल यूरिया के जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की ड्रग्स हैं। बिगवानाइड्स में हमारा मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आता है, ये ब्यूफॉर्मिन भी आ रहा है, ये भी देखो टारगेट अलग कर दिया गया, फेनफॉर्मिन को अलग कर दिया गया मार्केट से। अब आता है आईपीसी नेम ऑफ द टॉलब्यूटामाइड। टॉल है भैया, ये टॉल है और लंबा है, टॉल नहीं है ये, टॉल मतलब होता है टॉलून वाला है, और ब्यूटामाइड है, चार कार्बन के साथ एमाइड लगा है इसमें, टॉल है टॉल्यून है, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं क्या होगा इसका। टॉलब्यूटामाइड हमारा सल्फोनाइल यूरिया तो है ही, तो सभी में देखो सल्फोनाइल यूरिया सभी में लगा हुआ है, ठीक है, तो सभी में सल्फोनाइल यूरिया है, पैराटॉली सल्फोमाइल यूरिया, ये इसका डी आंसर एकदम करेक्ट है। स्ट्रक्चर को देखो आप, ये देखो इसमें टॉल्यून लगा हुआ है ना, ये देखो आपका ये जो हो गया पैरा टॉलो सल्फोनाइल यूरिया, और NH है दोनों साइड, देखो ये अगर इतना देखोगे ध्यान से तो यूरिया हो गया, और यहाँ पर क्या है वन ब्यूटाइल है, तो ये वन ब्यूटाइल हो गया, पैराटॉली यूरिया हो गया, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है टॉलब्यूटामाइड का, ध्यान रखना है। टॉलब्यूटामाइड क्लोरोप्रोपामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड में क्लोरोवॉल लग जाता है, वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है, वो कैसा हो जाता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बन जाता है। टॉलब्यूटामाइड के बाद ये कैसा हो जाता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बन जाता है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन द टॉलब्यूटामाइड स्ट्रक्चर, भाई जो मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन उसी का आ जाता है, ठीक है। तो आ गया क्वेश्चन, भैया आर की वैल्यू बता दो, आर की वैल्यू, तो अभी अपन ने देखा टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर, उसमें टॉलून रहता है, क्लोरोप्रोपामाइड में क्या रहेगा क्लोरीन रहेगा, ये टॉलब्यूटामाइड है इसमें टॉलून रहेगा, ठीक है। ये देखो ये टॉलब्यूटामाइड है हमारा, टॉलब्यूटामाइड में क्या होता है फर्स्ट जनरेशन वाले सल्फोनाइल यूरिया कहलाते हैं हमारे, फर्स्ट जनरेशन में आपका टॉलब्यूटामाइड है, क्लोरोप्रोपामाइड देखो क्लोरो है, और कार्बोटामाइड इसमें NH2 रहता है। जो सेकेंड जनरेशन वाले आते हैं ना उनमें GG चलता है, GGG, ठीक है, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिविनक्लाइमाइड, ये सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया होते हैं। ऐसे एक वर्ड चलता है हमारी बुक में ZZZ, जोपिक्लोन, जोलपिडोन, जोपिक्लोन, ठीक है, ये हमारे न्यूअर हेपेनोटिक ड्रग्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सेकेंड जनरेशन क्या होते हैं हमारे, जी वाले जो नाम होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन, क्या है हमारे ये सेकेंड जनरेशन क्या होते हैं सल्फोनाइल यूरिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है आपकी, इसको जरूर आपको परचेस करना है बेटा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और मेरे हिसाब से तो आपको जरूर परचेस करना चाहिए। फुल्ली कलर बुक है ये टोटल हमारी, इसमें थ्योरी पार्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों टाइप की बुक हमारी है। इसमें अगर आप थ्योरी बुक लेना चाहते हैं तो थ्योरी बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। देखो फार्मेसी में एक बात मैं कहूंगा, थ्योरी बहुत जरूरी होती है भाई हमारा, फार्मेसी में अगर आपको याद रहेगा तो काम खत्म है। जैसे मैंने अभी बताया क्लोरोप्रोपामाइड में क्या है, क्लोरो रहता है 4 पोजीशन पे, तो क्लोरो ग्रुप रहता है, तो ये याद ही तो करना पड़ेगा बात, ठीक है। तो इसको आप जरूर परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा रैपिड रिवीजन के लिए, आपकी बेस्ट बुक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जिन क्या होता है। एनाल्जिन हमारा एक एनाल्जिन है, ठीक है ना, एनाल्जिन है, एनाल्जिन क्या होता है हमारा, ये जो रहता है पायराजोलिन डेरिवेटिव होता है। एनाल्जिन क्या होता है, केमिकल क्लास होती है एनसेट की, उसको बोलते हैं पायराजोलिन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पायराजोलिन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पायराजोलिन डेरिवेटिव्स कहलाता है वो हमारा। ये दिख रहा है आपका पायरा, पायराजोलिन तब कहते हैं जब रेगुलर आ जाता है, अल्टरनेट रहता तो इमिडाजोल कहलाता है, ये पायराजोलिन हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिविनक्लाइमाइड आल्सो नोन एज, ग्लिविनक्लाइमाइड का आसान नाम दूसरा नाम, देखो जी से ही नाम रहेगा, मेटफॉर्मिन टॉलब्यूटामाइड की काम खत्म है यहाँ पर, ग्लिपिजाइड होता है, ग्लिब्राइड होता है, तो ग्लिब्राइड जो होता है इसी का नाम होता है दूसरा, ठीक है, याद रखना ग्लिविनक्लाइमाइड का ही
दूसरा नाम होता है ग्लिबराइड, ये सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव में आता है ये हमारा ड्रग। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसके बाद है एसिटाजोलामाइड जो है, ये हमारा डायबिटिक्स से इसमें कौन सी रिंग होती है, तो देखो एसिटाजोलामाइड में कौन सी रिंग होती है, एसिटाजोलामाइड में थायाडायाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, तो उसमें एक सल्फर रहता है, डबल नाइट्रोजन रहते हैं हमारे, ये जो होता है माउंटेन सिकनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं, और हमारा बी के फिगेसी डायबिटिक्स होता है, कार्बोनिक एनर्जी एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो कहां पर काम करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर ये काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये देखो आपके स्ट्रक्चर है किसका, एसिटाजोलामाइड का, देखो कहां कहां यूज करते हैं बेटा, ग्लूकोमा में यूज करते हैं इसको, इपिलेप्सी में, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है ना, माउंटेन सिकनेस बोल सकते हो, ऊंचाई पे जाने पे जो यूज होता है, पीरियोडिक पैरालिसिस, आइडियोपैथिक इंट्राक्यूलर हाइपरटेंशन, इन सब केसेस में इसको यूज कर लेते हैं। पायाग्लुटाजोन इज द डेरिवेटिव ऑफ, पायाग्लुटाजोन रोसिग्लुटाजोन किसके डेरिवेटिव होते हैं, थायाजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव होते हैं, एक हमारा ऑक्साजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव भी मिलेगा, उसका जल्दी से नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑक्साजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव इस दुनिया में कहां पर मिलता है, तो ऑक्साजोलिडोन डाइओन डेरिवेटिव में हमारा एंटीबायोटिक आता है जिसको बोलते हैं लिनिजोलेट, लिनिजोलेट हमारा प्रोटीन सिंथेसमीटर होता है, ये माओ एंजाइम की इनहिबिटिंग की प्रॉपर्टी भी रखता है अपने पास, ठीक है, तो ऐसे उसको याद रखना, ये थायाजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव होते हैं, इसमें हमारी ड्रग जो आती है रोसिग्लुटाजोन होती है और पायोग्लुटाजोन, ये लोग जाके पेरोक्सिस्टोन प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा पर काम करते हैं और हमारी स्केलेटल मसल्स में ग्लूट फोर का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, जिससे क्या होता है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ये जो ड्रग्स होती हैं ओवरकम कर देती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को, किसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम कर देती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स का सबका मैकेनिज्म आपको बता दूंगा एक बार में, ठीक है, ये देखो यहीं से मैं बता ही देता हूं आपको, देखो ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो ड्रग जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म कर देती है, उसमें आपका बिगवानाइड आता है, AMK एक्टिवेटर्स होते हैं, ठीक है, और थायाजोलिडीन डायोन से आता है ये PPARA गामा एक्टिवेटर्स होते हैं, इसमें मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन तो बंद हो गया ड्यू टू द लैक्टिक एसिडोसिस, रोसिग्लुटाजोन और पायोग्लुटाजोन आती है, ये रोसिग्लुटाजोन एंड पायोग्लुटाजोन ये हमारे रहते हैं, ठीक है। देखो अगर आप डायबिटीज की बात करो, डायबिटीज एक्चुअल में दो टाइप की होती है, टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। टाइप 1 डायबिटीज में तो क्या होता है भाई, हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हमको ऊपर वाले ने हमारे बारे में नहीं सोचा और हमारी बीटा सेल्स को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। छोटे बच्चों में भी हो जाती है डायबिटीज, ये वाली दो टाइप की डायबिटीज होती है स्पेशली हमारी, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसमें एक्चुअल में इंसुलिन की कमी रहती है उसकी बॉडी में, इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है, उसकी बीटा सेल्स डैमेज हो जाती है, हो सकता है उनका डेवलपमेंट ना हो, हो सकता है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन से डैमेज हुई, तो अल्टीमेटली बीटा सेल्स डैमेज, ये यंग एज वालों को होती है, इसको अपन बोलते हैं जुविनाइल डायबिटीज बोलते हैं। इसका एक ही इलाज अच्छा खासा है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाओ रोज और बढ़िया मस्त रहो, ठीक है, ये है। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, INDDM कहलाती है, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती। ये जो पेशेंट होते हैं ना, पता चला इसकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई है, इंसुलिन का लेवल हाई है, दूसरा इंसुलिन की लेवल कम भी हो सकता है इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है, तब भी भाई साहब को डायबिटीज हो गई, इनका ब्लड शुगर लेवल जो है 125 mg पर डेसिलीटर से ऊपर चला गया, तो ये कहलाती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है ना, NIDDM कहलाती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये जो होती है ये मैच्योरेशन डायबिटीज होती है भाई, 30-35 साल के ऊपर वालों को ये होती है और सबसे कॉमन फॉर्म है डायबिटीज का, जो पॉपुलेशन में रहती है डायबिटीज उसका सबसे कॉमन फॉर्म होता है डायबिटीज का, ठीक है। तो ये दो टाइप की डायबिटीज होती है, अब इन पर जो ड्रग्स काम करती है अगर हम उनकी बात करें तो देखो डायबिटीज में एक सिस्टम चलता है हमारा पूरा बॉडी में, आज अपन लोग हैं, अपना एक सिस्टम चलता है बॉडी में, क्या सिस्टम चलता है, यहां पर भाई हमारी बीटा सेल्स हैं, ठीक है, और यहां पर हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, और बीच में यहां पे कौन घूम रहा है भैया, हमारा ब्लड है, ब्लड में कौन है, हमारा ग्लूकोज है। जिस दिन हमारा शुगर लेवल 125 mg पर डेसिलीटर से ऊपर जाता है, अपन लोग का बात करें नॉर्मल लोगों का, ये यहां इतना गया तो इसको सेंसर, ये जो बीटा सेल्स है इसमें सेंसर लगा हुआ है, वो डिटेक्टर लेता है तुरंत, ये यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर रहता है जिससे ग्लूकोज अंदर जाएगा, उसको ग्लूट बन बोलते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा जैसे ही ज्यादा पहुंचा, बीटा सेल्स को पता चल गया, बीटा सेल्स ने जांच कर ली कि बढ़ गया भैया ग्लूकोज, अब यहां से बीटा सेल्स होगा इंसुलिन का रिलीज, तुरंत इंसुलिन का रिलीज होगा, इंसुलिन जाएगा जो हमारी स्केलेटल मसल्स एडिपोज टिश्यू है उनकी सरफेस पे,
एक ट्रांसमीटर को बना देगा, ग्लूट फोर को बना देगा, ग्लूकोज ट्रांसमीटर फोर। ये जो बाहर का ग्लूकोज है पूरा हमारी स्केलेटल मसल्स और एडिपोस टिश्यू वगैरह क्या कर लेंगे, यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल बना रहेगा। ठीक है, मान लो अपन एक कोई शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, भाई हमको स्वीट मिल गया, हमने खट्टे 10 जो है ना गुलाब जामुन को खा लिया, तो थोड़ी ना हमको डायबिटीज हो जाएगी। हमने जैसे ही गुलाब जामुन खाए बहुत सारे, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो बीटा सेल ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो डायबिटीज है नहीं, बीटा सेल्स अच्छी खासी हमारी काम करती हैं, तो वहां से बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज हो गया और इंसुलिन ने हमारा ग्लूट फोर उतने बढ़ा दिए, क्योंकि ये करता है काइनेज रिसेप्टर पे काम, उसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्या बनता है ग्लूट फोर बनता है, तो ये यूटिलाइजेशन हो गया ग्लूकोज का, ऐसा हमारा नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है, अब डायबिटीज हुई किसी को, भाई ऊपर वाले ने बीटा सेल नहीं बनाई, तो अब डैमेज बीटा सेल नहीं है, तो अब काम खत्म है, बाहर से इंसुलिन लो, तो वो हमारा टाइप वन। अब जो टाइप टू डायबिटीज होती है बहुत खतरनाक होती है, दो तरीके के लोग होते हैं, या हो सकता है दोनों चीजें। एक चीज ये बीटा सेल है, नींद लग गई बीटा सेल्स की, बीटा सेल जो हो गई है उनकी सेंसिटिविटी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, बीटा सेल्स होती रहती है, पता चला ग्लूकोज का लेवल हमारा 200 mg पहुंच गया, 300 पहुंच गया, इतना ऊपर इंसुलिन पहुंच गया है, इंसुलिन नहीं ग्लूकोज पहुंच गया, इतना हाई लेवल हमारा 200-300 125 के ऊपर इसको जागना चाहिए था, लेकिन अब ये सुन ही नहीं रही, इसकी तो नींद लग गई, मस्त हो गई, ये तो सो गई, हमारी बीटा सेल्स क्या है सो गई है, अब ग्लूकोज लेवल भरा पड़ा है हमारे ब्लड में, लेकिन इसको कोई चिंता ही नहीं है, इंसुलिन का रिलीज ही नहीं हो रहा। जब इंसुलिन का रिलीज नहीं होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, इंसुलिन कम कैसे करता है ग्लूकोज को, सेल्स के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, तो भैया बढ़ गया शुगर लेवल, डॉक्टर साहब ने कह दिया भैया तुमको हो गई डायबिटीज। क्या बोल दिया डॉक्टर साहब ने, तुमको हुई डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज हो गई है भाई, अब ड्रग लो। तो डॉक्टर ने क्या किया, बीटा सेल को उठाने वाली ड्रग दी, भैया उठो बीटा सेल, तो उसने दिए सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल के ब्लॉकर होते हैं, इसने किया यहाँ पर पार्शियल डिपोलाइजेशन कॉज, और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट किया और इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देता है, तो इंसुलिन रिलीज बढ़ गया भाई, अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। एक तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका बीटा सेल्स की नींद लगी, दूसरा और डेंजर, अब जो इंसुलिन है ना वो काम करते करते थक गया है, उसने कहा यार मैंने 30 साल काम किया, यार तुम्हारे शुगर को मैंने 30 साल कंट्रोल रखा है, अब मैं सैचुरेट हो जाऊंगा। इंसुलिन कैसे काम करता है, इंसुलिन जाता है इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करता है और ग्लूट फोर का, अब इंसुलिन रिसेप्टर ने कहा कि हम सैचुरेट हो चुके हैं, आप कितना भी इंसुलिन रहे ब्लड में मुझे मतलब नहीं है, मैं तो भाई अब इंसुलिन से बाइंड नहीं करूंगा और ना मैं ग्लूट फोर बनाऊंगा, तो कहां से कम होगा, तो ऐसा केस भी होता है, इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बाहर से ड्रग दे देते हैं जो इंसुलिन की रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा ये मेटफॉर्मिन हो गया, ये हो गया, ये हमारे सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं इंसुलिन की। और अपन जो ग्लूटाजोन, इसने तो ग्लूट फोर बना दिया, सीधा सिंथेसिस करता है, नए ग्लूट फोर बना देता है, इंसुलिन से बोलता है सुनो इंसुलिन तुम काम नहीं करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे ग्लूट फोर, तो ये ग्लूट फोर बना देता हमारे। ठीक है, तो ये ड्रग्स काम करती है। ठीक है, ये मेन हमारा डायबिटीज की ड्रग्स होती है, इनको अच्छे से याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आ गया मेटफॉर्मिन, तो ये पूछेगा तो अपन बताएंगे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है पेरिफेरल साइट्स पे। तो पूछा गया है मेटफॉर्मिन में ये किसका स्ट्रक्चर है, ये चलो तो आपको कुछ नहीं करना भैया, ये फैनी देख लो, फैनी। अब अगर आप फैनी देख के मेटफॉर्मिन आंसर लगाओ तो यार बहुत गलत बात है, तो फैनी देखो आप तो बस ये है फैनी और ये है हमारे पेनफॉर्मिन। पेनफॉर्मिन ने अपना भाई लैक्टिक एसिडोसिस कॉज किया और इसको अपन ने इस दुनिया से उठा के अलग कर दिया कि भैया तुम बैन हो महाराज, मत करो काम, समझ रहे भाई तुम मत करो काम। ठीक है, तो ये इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है, इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, लैक्टिक एसिडोसिस के कारण इन मिस्टर्स को क्या कर दिया गया है, मार्केट से रिमूव कर दिया गया है फेनफॉर्मिन को। मेटफॉर्मिन हम यूज करते हैं रेगुलरली, और मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करते हैं, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है हमारा ये यूज करते हैं, इसका भी एक प्रॉब्लम है, इसको रेगुलर यूज करोगे तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ना डायबिटीज वाली ड्रग्स का बेटा अच्छे से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज की है। ठीक है, तो डायबिटीज की ड्रग्स जो होती है वो पहला तो वो है जो इंसुलिन द ओवरकम रेजिस्टेंस, इंसुलिन मतलब जो इंसुलिन रिसेप्टर का सैचुरेशन हो चुका उसको खत्म करते, तो उसमें बिग्वानाइड आते हैं हमारे, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, थायाजोलिडिन, डायोन, PPAR, गामा एक्टिवेटर्स होती है, डायरेक्ट बोलते हैं इंसुलिन को साइड कर देते हैं कि तुम मत करो मैं करूंगा, ग्लूट फोर का सिंथेसिस ये खुद करने लगते हैं। इसके बाद मिसलेनियस यहाँ पर DPP-4 इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें सीटाग्लिप्टन आता है, GLP-1 लगने में एक्सिनिटाइड आता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स में हमारे डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन आते हैं, डोपामिन D2 एगोनिस्ट में हमारा ब्रोमोक्रिप्टन आता है, अमाइलिन लॉग में प्रामिलिटाइड आता है,
और कार्बोहाइड्रेट के जो एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, उसमें एकॉर्बोज आता है, मैग्लिटॉल आता है और बोग्लिबोज आता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ना एंटी डायबिटिक ड्रग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन को। इसमें इंसुलिन भी है हमारा, एक्चुअल में बताऊं ना ओरल क्यों बोलते हैं इसको, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया, एक्चुअल में इंसुलिन नहीं दे सकते ना ओरल, उसको सबकटेनियस रूप से देते हैं। इंसुलिन पे भी क्वेश्चन बनता है, इंसुलिन की केमिस्ट्री से बनता है। तो इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 51 होते हैं, कई बार आ जाए 2-डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अगर आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा, ठीक है, इसके अगर आपने देखा यहां पर इंसुलिन ऐसा रहता है हमारा, एक ए चैन रहती है, इसकी बी चैन रहती है, ये ए चैन है और ये बी चैन है, बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है दोनों चैन, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। इसमें ए चैन में आपके 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चैन में हमारे 30 अमीनो एसिड होते हैं, टोटल मिला के पूरे इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब भाई हम हैं ह्यूमन और हम भूल जाते हैं ए चैन में कितने और बी चैन में, तो बी को बनाओ, जरा बी को बनाओ, डंडा हटा दो तो 30 हो रहा कि नहीं हो रहा, 30 मतलब बी चैन और ए चैन में 21 होते हैं, 2-डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसुलिन की केमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, इसमें मिथाइल मिथाइल लगा है बेटा, तो ये जो ग्वानाइडोमाइटी लगी अल्टरनेट नाइट्रोजन है हमारा, तो ये क्या है हमारा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन। देखो ये हमारा मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर होता है, फेनफॉर्मिन में फिनाइल लगा रहता है, ठीक है, और ये जो पायोग्लिटाजोन में इसमें ऑक्सोजोलिडिन डाइओन रहता है, इसमें आपका ध्यान रखना है डाइओन वाला रहता है, ठीक है ना, थाया डाइजोलिन डाइओन डेरिवेटिव थाया रहता है, थाया मतलब सल्फर, ऑक्सोजोलिडिन डाइओन किसमें रहता है, लिनिजोलिड में रहता है जो कि एंटीबायोटिक है। तो ऑल्बुटामाइड क्या होता है हमारा, सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, ओके, कर लोगे इतना कि नहीं कर पाओगे आप। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आ गया है, आइडेंटिफाइड ड्रग अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, भाई अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगी, तो उसमें हमारा टॉलबुटामाइड नहीं आएगा, रापाग्लिनाइड आएगा, पायोग्लिटाजोन नहीं आएगा, उसमें रहेगा मेग्लिटॉल, एकॉर्बोजोन, बोग्लिबोज, ये एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, किसको इनहिबिट करते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन को, ये लोग इनहिबिट कर देते, तो ये वाले नाम आएंगे इसमें, ये क्या होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स होते हैं, क्या है ये एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते, तो ये वाले नाम आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलो द ड्रग इज क्लासिफाइड एज द GLP-1, GLP-1 पे कौन सा काम करता है, तो एक्सिनेटाइड, GLP-1 एंटागोनिस्ट कौन होता है, एक्सिनेटाइड होता है, ये एक्सिनेटाइड होता है हमारा GLP-1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ये एगोनिस्ट होता है और वो वहां पर आपका क्या होता है DPP-4 का इनहिबिटर होता है, इसमें जो ड्रग आती है हमारी एक्सिनेटाइड आती है, ये न्यू ड्रग होती है हमारी। नेक्स्ट है रिंग प्रेजेंट इन द नेटिग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, नेटेग्लाइड में हमारी साइक्लोहेक्सीन रिंग प्रेजेंट होती है, नेटेग्लाइड में कौन सी रिंग होती है, साइक्लोहेक्सीन रिंग प्रेजेंट होती है, आपको ध्यान रखना है नेटेग्लाइड में क्या होती है, साइक्लोहेक्सीन रिंग, देखो ये नेटेग्लाइड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये रिंग दिख रहा है आपको, ये साइक्लोहेक्सीन रिंग प्रेजेंट होता है, इसका मैकेजिम वगैरह सब कुछ सल्फोनाइल यूरिया के जैसा होता है, कैसा होता है, सल्फोनाइल यूरिया के जैसा होता है इसका मैकेजिम। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये तो भाई हम क्या बताएंगे, कोई भी बता देगा, क्लोरीन वाला है तो क्लोरोप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर है, किसका है ये, क्लोरोप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग प्रेजेंट इन द ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड में कौन सी रिंग होती है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्लिपिजाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, ग्लिपिजाइड में पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है, पायराजीन का मतलब समझते हो, नाइट्रोजन जो है आमने सामने रहेगा, अल्टरनेट रहेगा तो पायरिमिडीन रहता है, ये अल्टरनेट नाइट्रोजन है यहां पर नहीं है, आमने सामने है सीधा, ये पायराजीन कहलाता है, पायराजीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है ग्लिपिजाइड में, ठीक है, पिजाइड लिखा है पीजी पायराजीन, पीजी पायराजीन, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका, कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है आप खुद बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉलब्यूटामाइड होता है, किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये टॉलब्यूटामाइड का, किसमें आता है हमारा, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया में आता है, मैकेजिम क्या होता है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का ब्लॉकर होता है, बीटा सेल से क्या करता है, इंसुलिन का रिलीज कराता है, ठीक है, इंसुलिन गोगो कहलाते हैं, जो इंसुलिन का रिलीज कराएगा उनको क्या बोलोगे, इंसुलिन गोगो ड्रग्स बोलेंगे। ये हमारा किसमें आता है, देखो फर्स्ट जनरेशन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, टॉलब्यूटामाइड। नेक्स्ट है रिंग प्रेजेंट इन द एमिलोराइड, एमिलोराइड क्या होता है हमारा, एमिलोराइड जो है
ये हमारा डायुरेटिक्स में आता है, ये रहता है पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स में। किसमें आता है? पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स में आता है। मैकेजिन क्या होती है? रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसका जो भाई होता है वो कौन होता है? ट्राइमेट्रीन होता है। ट्राइमेट्रीन, ठीक है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसमें जो रिंग होती है हमारी पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग होती है बेटा? इसमें पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। देखो ये है आमने सामने वाला नाइट्रोजन, ठीक है, एम्ब्लोराइड में क्या रहता है? पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना अच्छे से, एम्ब्लोराइड में क्या होती है? पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अभी अपन ने देखा ग्लिपिजाइड में भी वही थी पायराजीन, तो ग्लिपिजाइड और एम्ब्लोराइड को याद रखना है, इसमें क्या रहती है? पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अगर इसका जैसे आईयूपीएसी नेम अगर आएगा तो आपको वही रिंग देखना पड़ेगी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ द रिंग प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोफ्लोमीथियाजाइड। हाइड्रोफ्लोमीथियाजाइड में कौन सी रिंग होगी? अब उसमें जो थियाजाइड है तो थियाजाइड तो रिंग रहेगी, क्या रहेगा इसमें? तो ये बेंजोथियाजीन रिंग प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? हाइड्रोफ्लोमीथियाजाइड हमारा थियाजाइड डायरोटिक्स है। थियाजाइड डायरोटिक्स जैसा किसका स्ट्रक्चर दिखता है? इसके पहले वाले पार्ट में बताया था आपको, उसमें डाइजॉक्साइड का स्ट्रक्चर और थियाजाइड का स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। डाइजॉक्साइड और थियाजाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो मिलता जुलता होता है। तो ये हमारा थियाजाइड डायरोटिक्स की कैटेगरी में आता है। जो थियाजाइड डायरोटिक्स होता है उसमें सल्फोमाइल ग्रुप किस पोजीशन पे होता है? ये 7 पोजीशन पे होता है। ये इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिख रहा है हमको, ये थियाजाइड डायरोटिक्स का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो 7 पोजीशन पर, सभी थियाजाइड में 7 पोजीशन पर सल्फोनामाइड रहता है। जिसमें नहीं होगा वो आपका थियाजाइड डायरोटिक्स के जैसा एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइपामाइड इंडिपामाइड, ठीक है, ये क्या है हमारे? जाइपामाइड ये थियाजाइड लाइक डायबिटिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहेगा आपका? ये जो रहेगा बेंजामाइड कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? बेंजामाइड कैटेगरी में आता है। एक्चुअल में जैसे मैंने बोला यहाँ पे लिखा है क्लोरोथियाजाइड और यहाँ पे लिखा है जाइपामाइड, ऐसा लिखा है। क्लोरोथियाजाइड को अपन बोलते हैं थियाजाइड डायबिटिक्स, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं थियाजाइड लाइक डायबिटिक्स। ये जो लाइक वर्ड आया है किसके कारण आया? देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करो, इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है। मैकेजम सेम होती है, सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट इनहिबिटर होता है और ये भी सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट इनहिबिटर होता है। इसको भी अपन बोलेंगे साइड थ्री डायोटिक्स कहलाता है और ये भी हमारा साइड थ्री। तो इनका मैकेजम एक्शन सेम होता है और बाकी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर स्ट्रक्चर भी सेम होता तो काय को बेचारे को थियाजाइड लाइक बोलते, पर सीधा थियाजाइड डायोटिक्स बोलते ना फिर उसको अपन। तो इसलिए ध्यान रखना है इसमें बेंजामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें बेंजामाइड ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा, रिंग प्रेजेंट इन द स्पाइनल इलेक्ट्रॉन। स्पाइनल इलेक्ट्रॉन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा? स्पाइनल इलेक्ट्रॉन में तो रहती है हमारी स्टीरॉयड रिंग। क्या रहती है? स्टीरॉयड रिंग। जल्दी से इसका आंसर दो कि इस स्पाइनल इलेक्ट्रॉन में कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है। तो आप बोलोगे सर स्टीरॉयड रिंग होती है। अब स्टीरॉयड रिंग तो भाई मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, हमारे स्टीरॉयड रिंग तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करें? अब स्टीरॉयड रिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा? इसका बी आंसर हो जाएगा। स्टीरॉयड रिंग बना लेते हो कि नहीं बना पाते? ये होती स्टीरॉयड रिंग इस तरीके से। ये होती है स्टीरॉयड रिंग, ठीक है। ये स्टीरॉयड रिंग को ही फेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। साइक्लोपेंटेन फेनेंथ्रीन रिंग कहलाती है पूरा, ठीक है। तो ये रिंग रहती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है रिंग प्रेजेंट इन द एथॉक्स, एथॉक्सोजोलामाइड, ठीक है। एथॉक्सोजोलामाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है? तो इसमें आपके बेंजो थियाजाइड रिंग ही प्रेजेंट रहती है। थियाजाइड डेरिवेटिव्स के जैसे, थियाजाइड डेरिवेटिव्स के जैसे ही होता है हमारा। ये हमारा उसी के जैसा होता है इसमें। इसमें देखो बेंजीन है और थियाजोल रिंग होती है। बेंजीन रिंग और थियाजोल, देखो बेंज थियाजोल रिंग, ठीक है। बेंजो थियाजाइड से मिलता जुलता बोल सकते हैं, बट है थोड़ा सा ये डिफरेंट, ठीक है। बेंजो थियाजोल रिंग रहती है, बेंजीन है और थियाजोल रिंग। थिया मतलब सल्फर, एजोल मतलब नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसका स्ट्रक्चर है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट का बैच ज्वाइन करें आप रेगुलर क्लासेस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेली क्लासेस होती हैं प्रॉपर शेड्यूल्ड मैनर में, इनको आप जरूर अटेंड करें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी आप बेटा ज्वाइन करेंगे, ओके। एंथैलिक एसिड डेरिवेटिव पूछा है अपन से, एंथैलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है?
अब क्वेश्चन में पूछा है एंथैलेपिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है, तो ये तो सब हमारे भाई थियाजाइड वाले हैं ना ये लोग, तो इनका तो काम खत्म, फ्यूरोसेमाइड होता है हमारा एंथे। फ्यूरोसेमाइड में याद रखना बेटा, इसमें फ्यूरोन रिंग होती है पहली चीज, ये सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिंपोर्ट इनहिबिटर होता है दूसरी चीज, तीसरा इसमें ओटोटॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट होता है, ये फोर्थ पॉइंट है इसका जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड हाई एफिकेसी डायबिटिक्स होता है, इसको लूप डायबिटिक्स बोलते हैं, इसमें फ्यूरोन रिंग रहती है। इसमें जो सल्फोमाइल ग्रुप रहता है वो आपका फाइव पोजीशन पर होता है, क्या होता है फाइव पोजीशन पर होता है, और हमारे थियाजाइड में कहां होता था सेवन पोजीशन पर होता था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार अपन फ्यूरोसेमाइड का पूछ लें वो अपन से कि फ्यूरोसेमाइड में किस पोजीशन पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्यूरोसेमाइड में किस पोजीशन पर रहेगा, फ्यूरोसेमाइड में जो रहेगा आपका फाइव पोजीशन पर, एफ आर फ्यूरोसेमाइड होता है और एफ आर क्या होता है फाइव होता है, तो आप ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहिबिटर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर, ये सोडियम क्लोराइड का सिंपोर्टर का इनहिबिटर कौन होता है, अभी बताया थियाजाइड होता है, ये तो होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड पोटर, मर्सराइल भी उसी में आता है हमारा, इथक्रैनिक एसिड भी, ये हमारे लूप डायबिटिक्स में आते हैं। ठीक है, ये लूप डायबिटिक्स है, इसका मैकेनिज्म होता है थियाजाइड डायबिटिक्स का सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट, सिंपोर्ट क्यों कहते हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लोग, मैं आपको सभी के मैकेनिज्म दो मिनट में बता देता हूँ सभी डायबिटिक्स की। ठीक है, अभी इसके साथ में सभी का आपको डायबिटिक्स का पूरा मैकेनिज्म बता देता, ये डायबिटिक्स होते हैं हमारे, देखो अलग अलग साइड पर ये लोग काम करते रहते हैं, ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा, तो उनको क्या करना है डायबिटिक्स को समझना है पहले। डायबिटिक्स की डेफिनेशन सब जानते हो, तो सोडियम वाटर के क्या होता है, डायबिटिक्स पढ़ते तो सब लोग हैं अपन, लेकिन चीजें नहीं समझते। देखो ये नेफ्रॉन का ल्यूमेन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का ल्यूमेन है, अगर कोई यहां से जा रही है कोई चीज तो मतलब वो यूरिन में जा रही है, और उसका मतलब क्या है एक्सक्रीशन हो रहा है, और अगर वो यहां से यहां वापस आ रही है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जनरली होता है सोडियम और वाटर का। तो जैसे अगर एग्जाम में किसी ने पूछा अपन से रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, अपन किसको इनहिबिट कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, मतलब यहां से यहां नहीं आने दे रहा है, तो वो नेफ्रॉन में ही रहेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, तो मतलब उसका सीधा सीधा एक्सक्रीशन को क्या कर रहे हैं हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर हमने बोला रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्या बोला हमने रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्लड में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है एक्सक्रीशन इनहिबिट हो रहा है। तो भाई ये एक टर्म्स हैं, इनको एक को पढ़ते रहो, दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती भाई, एक चीज है या तो इस पाली में जाएगा या उस पाली में जाएगा भाई, या तो यूरिन में जाएगा तो एक्सक्रीशन होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर यूरिन में नहीं जा रहा तो उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये डायबिटिक्स में, अब जैसे डायबिटिक्स की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ये सोडियम एंड वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, एक व्यक्ति ने ये बोला सोडियम वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, तो हमने भैया दूसरे से पूछा, एक सामने वाला खड़ा था वो बोल रहा था कि यार सोडियम वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दे, तो दोनों सही बोल रहे हैं ना, सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा दिया ये भी तो सही बात है, अंदर नहीं आ रहा, और एक ने बोल दिया कि अंदर नहीं जा रहा, तो बात तो बराबर है ना, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो बाहर जा रहा है, तो बात तो भैया एक बोल रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं और एक ने बोला कि भैया हम रूम के अंदर नहीं आ रहे, तो बात तो बराबर है, हमने बोला हम रूम से बाहर जा रहे हैं भैया हम एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो दूसरे आदमी ने बोला कि भैया मैं रूम के अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो बात तो बराबर, जब तुम अंदर नहीं जा रहे भैया तो बाहर ही तो रहोगे ना, तो ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन चीजों में, बिल्कुल कॉमन सी चीज है ये। ठीक है, तो समझ गए आप लोग ये। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ डायबिटिक्स को लेके, एक चीज और मैं डायबिटिक्स को लेके आपको बताना चाहूंगा। देखो डायबिटिक्स होते हैं नेफ्रॉन पे काम करते भाई, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी क्या होती है नेफ्रॉन ही होता है, तो नेफ्रॉन के अगर स्ट्रक्चर को देखो तो नेफ्रॉन का भाई ऐसा स्ट्रक्चर में बना रहा हूं जैसा भी बने आप उसको समझने के लिए बना रहा हूं बस, केवल ये हो गया, यहां पर हमारा लूपा फेनले रहता है, ये लूपा फेनले रहता है इस तरीके से ये, और यहां पर लास्ट में ये नेफ्रॉन, देखो यहां पर हमारे आते हैं इफ्रेंट फिल्ट्रेशन होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, यहां से जो निकल के आता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, फिल्ट्रेट तब यूरिन कहलाता है जब वो कहां रीच कर जाता है कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं कलेक्टिंग डक्ट से, ये जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वेटिव ड्यूल, ये जो कार्ड होता है इसको लूपा फेनले बोलते हैं, ये जो कहलाता है डिस्टल कन्वेटिव ड्यूल कहलाता है, ये इतने पार्ट हमारे नेफ्रॉन के होते हैं। अगर हम ड्रग की बात करें तो हमारे बोमन कैप्सूल पे कोई ड्रग काम नहीं करती, तो यहां से ड्रग काम करना होती है, तो सबसे पहले नंबर पर ड्रग जब पीसीटी पे काम करते हैं तो उसको बोलते हैं साइट वन डायबिटिक्स, ठीक है, और जब लूपा फैलने पे ड्रग काम करते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं साइट टू डायबिटिक्स, और जब डीसीडी पे जो ड्रग काम करते हैं उनको बोलते हैं साइट थ्री डायबिटिक्स,
और जो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं उनको बोलते हैं साइड पोर डायोरेटिक्स। ऐसे डायोरेटिक्स हमारी नेफ्रॉन में, देखो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ये 1, 2, 3 ये नंबरिंग नहीं डली है भाई नेफ्रॉन के पार्ट की, ये वो पार्ट है कहां कहां डायोरेटिक्स काम कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे डायोरेटिक्स हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल पे काम करता है तो उसको बोलते हैं साइड वन डायोरेटिक्स। दूसरी बार में वो कहां करता है लूपा फैनली पे तो साइड टू। तीसरी बार में डिस्टल कन्वर्टिबल में साइड थ्री, और फोर्थ में आपका साइड फोर होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहां पर कुछ ना कुछ तो होता है। साइड वन पे एंजाइम होता है हमारा कार्बोनिक एनर्जेज। कौन होता है कार्बोनिक एनर्जेज? तो अभी हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनर्जेज का इनहिबिटर कौन है, वो एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड कहां काम करता है, अपन को नहीं पूछा उन्होंने कार्बोनिक एनर्जेज इनहिबिटर, उन्होंने पूछा एसिटाजोलामाइड कहां काम करता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, एसिटाजोलामाइड जो होगा हमारा साइड वन कहलाता है। अब हमने देखा था अभी फ्यूरिसमाइड, फ्यूरिसमाइड कहां पे काम करता है, लूप ऑफ हेनली पे काम करता है। यहां पर होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है, इसको इनहिबिट कर देता है, मतलब इनके रीअब्सॉर्प्शन को रोक देता है, ये ब्लड में नहीं जाते तो यूरिन में जाने लगते हैं। तो ये आपका करता है साइड टू। साइड थ्री पे काम करता है सोडियम और क्लोराइड सिंपोर्टर, जो अभी क्वेश्चन था आपका, यहां से जो रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम और क्लोराइड का, तो एथियाजाइड ने उसको रोक दिया, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे साइड थ्री। साइड थ्री मतलब होता है डिस्टल कन्वर्टिब्यूल। इसके बाद आता है साइड फोर कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर काम करते हैं हमारे बी की फिकेसी डायोरेटिक्स, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइनल एक्ट्रॉन सोडियम वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, यहीं पर काम करेगा। आपका ट्राइमेट्रिन एमोलोराइड भी यहीं पर काम करते हैं कलेक्टिंग डक्ट पर। ठीक है, इसके बाद बचता है ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स देखो साइड वन पे भी काम करता है और साइड टू पे भी काम करता है। तो ये डायोरेटिक्स के पूरे मैकेजिम्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है बेटा, एक बार डिटेल में आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना। डायोरेटिक्स के मैकेजिम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पर क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके साइड वन डायोरेटिक्स, एक्चुअल में जो भी होता है ये सब रीअब्सॉर्प्शन इनहिबिटर होते हैं, वापस नहीं आने देते उसको, बोलते तुम फिल्ट्रेट में पहुंच गए हो ना, ठीक हो वहीं रहो, निकलो बाहर से, हमको चाहिए डायरेक्टिक एक्शन। तो साइट वन का मतलब जाने लगे आप लोग, साइट वन मतलब आपका रहता है वहां पर एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनर्जी मीटर होता है, ये साइट होती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। दूसरी आती है हमारी साइट टू, साइट टू लूपा फेनले होती है, लूपा फेनले में थिक असेंडिंग लिंब होता है जो ऊपर की ओर जाता है, वहां पर काम करता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर रहता है, ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर में हमारा आता है फ्यूरिसिमाइड। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, साइड थ्री मिलती है। साइड थ्री मतलब होता है डिस्टल कन्वर्टिब्यूल, यहां पर जो इनहिबिट किया जाता है सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करने वाला हमारा मेन आदमी होता है थियाजाइड डायोरेटिक्स। ठीक है, फिर आता है लास्ट में साइड फोर डायोरेटिक्स। क्या आती है साइड फोर? साइड फोर होती है कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर काम करते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, उसमें ड्रग आती है ट्राइमेट्रिन और एमोलोराइड। ठीक है, और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट स्पाइनल एक्ट्रॉन। तो ये सभी डायोरेटिक्स का उनकी साइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, इनको आपको याद करना है, ठीक है, इनको आपको प्रॉपर याद कर लेना है क्लासिफिकेशन को, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लोगे। फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंगिंग टू द फेनोक्सी एसिड क्लास, ठीक है, फेनोक्सी एसिड क्लास में कौन सी ड्रग आती है, चलो मैं बताता हूँ, चलो नहीं पता अपन को यार, एसिड तो जानते हो कि नहीं जानते, एसिड किस में रहता है, तो ये है इथक्रायनिक एसिड। देखो इथक्रायनिक एसिड एक और बहुत अच्छी चीज है, इथक्रायनिक एसिड ऐसा डायोरेटिक्स है भाई, इसमें SO2NH2 है ही नहीं, फिर भी ये भाई डायोरेटिक्स कहलाता है। मान लो क्वेश्चन आ गया आपको, क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने कि आप जब बेटा डायोरेटिक्स पढ़ते थे तो आपने SAR में पढ़ा था कि डायोरेटिक्स में SO2NH2 ग्रुप होता है, ये उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, तो बताओ जरा किस में नहीं होता और वो डायोरेटिक्स ऐसा काम करता है, तो हम बोलेंगे साहब वो SO2NH2 हमारे इथक्रायनिक एसिड में नहीं होता। ठीक है, ये जो है ना फ्यूरिसमाइड में होता है, थियाजाइड में होता है, एसिटाजोलामाइड में होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान, मैनिटॉल में भी नहीं होता कोई हमारा। ठीक है, मैनिटॉल तो ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स होता है, ये साइड वन और साइड टू पे काम करता है। थियोफाइलिन की अगर बात करो बेटा, तो ये फास्फोडाइस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होती है और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होती है, यहां इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, यहां पर इसकी कोई भी ड्रग की यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फिनोक्सी एसिड विद क्राइनिक एसिड आ गया हमारा, तो इस क्राइनिक एसिड जो है इसके स्ट्रक्चर को देखो आप, कहीं पर है इसमें सल्फोमाइल ग्रुप? नहीं है इसमें कहीं पर भी, क्या नहीं है सल्फोमाइल ग्रुप नहीं। ये एक्चुअल में हमारा आता है किसमें, लूप डायोरेटिक्स में। लूप डायोरेटिक्स कहाँ काम करते हैं हमारे, वो ये आपके थिक असेंडिंग लिंब पर काम करते हैं, ये जो मैंने थिक बनाया था ना, ये वाला ऊपर की ओर थिक बना हुआ है, ये थिक असेंडिंग लिंब पे काम करते हैं लूप। अब जो जो ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है ना, उसको अंदर नहीं जाने देता। जैसे आपका एक्चुअल में होता क्या है इनकी मैकेजिम्स में, ये जो डायोरेटिक्स अपन पढ़ते हैं
इनकी मैकेनिज्म बेसिकली क्या रहता है, वो रीअब्सॉर्प्शन को रोकते हैं अल्टीमेटली। जैसे अपन ने बोला थियाजाइड डायुरेटिक, तो सोडियम क्लोराइड इंपोर्ट को इनहिबिट करता है। तो होता क्या है हमारी बॉडी में, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होती है नेफ्रॉन की, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, यहां से क्या होता था इनका होता था, ये हमारी बॉडी का एक्स्ट्रासेलुलर साइड है और ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। यहां से हमारा सोडियम भी वापस आ जाता था और क्लोराइड भी वापस। इसको करने वाला जो व्यक्ति था डिस्टल कन्वोल्यूटिब्यूल पे, वो कहलाता था हमारा सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर। लेकिन अब हमारा फोकस ये है, हमको रीअब्सॉर्प्शन नहीं चाहिए, ये तो होता है रीअब्सॉर्प्शन, हमको रीअब्सॉर्प्शन नहीं कराना, हमको एक्सक्रीशन कराना, यहां जाना चाहिए। तो हमने इसको इनहिबिट कर दिया, उसके लिए डायरेक्ट ड्रग हमने दे दी थियाजाइड। ऐसे ही सेम आपका लूपा फैनले पर रहता है, उसमें तीन लोग अंदर जाते हैं, सोडियम अंदर जाता है और पोटेशियम अंदर जाता है और टू क्लोराइड अंदर जाता है, तो ये भी काम करता है। तो अगर इसको रोक दिया तो ये तीनों का एक्सक्रीशन होता है, उसके लिए हमारे काम होते हैं लूप डायुरेटिक्स करते हैं, उस पर कौन करते हैं लूप डायुरेटिक्स काम करते हैं। तो ये डायुरेटिक्स वाला पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कर लेंगे, और डायुरेटिक्स के स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना अच्छे से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ओके okay.